फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर फाजिल एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल क्रेजी गार्डनिंग। फ्रेंड, आज हम अपने क्रेजी गार्डनिंग के थ्रू एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करते हैं जिसको जेट प्लांट बोलते हैं। और फ्रेंड, ये एक सकुलेंट प्लांट की एक वेराइटी है और इसके और भी नाम है। इसको साइंटिफिकली क्रेजुला उवाटा के नाम से जाना जाता है, जो कि फैमिली क्रेजुलेसी से बिलोंग करता है। फ्रेंड, ये एक सकुलेंट प्लांट इसलिए है क्योंकि अगर आप इसका लीफ स्ट्रक्चर देखें तो वो थोड़ी गुदगुदी सी होती है, लाइक गदेदार। तो जैसे कि मैं आपको लीफ इसका दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड, यहाँ देखें, आप इसका लीव्स देखें, ये काफ़ी थिक लीव्स हैं और ये थोड़ी गद्देदार सी होती हैं और ये काफ़ी जूसी लीव्स होती हैं। ये लीव्स में क्या होता है कि काफ़ी मॉइस्चर और वाटर रिटेन रहता है। अगर मैं एक लीव तोड़ूँ और इसको मैं हाथ से मस लूँ तो फ्रेंड ये देखिए कितना ढेर सारा इसमें से वाटर निकल के हाथ पे आ गया। ये आप देख सकते हैं वाटर। तो फ्रेंड, सकुलेंट प्लांट की यही खास बात होती है कि उनकी जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी गद्देदार लीव्स होती हैं और उनमें क्या है, वाटर रिटेन रहता है, वाटर स्टोर करती हैं। जब ये वाटर स्टोर करती हैं तो इसी वजह से इन प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फ्रेंड, जब ये वाटर स्कैरसिटी में आते हैं, जब इनमें पानी की कमी होती है, तो क्या होता है कि लीव जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं। फ्रेंड, ये देखिए इस तरह से लीव जो है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि लीव में श्रिंकेज है। लीफ इस तरह से श्रिंक होना शुरू हो जाती है, तब ये पहचान होती है इस प्लांट की कि पेड़ पानी मांग रहा है, तब आप इसमें जो है वाटरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम अब इसके वेरियस एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। वो एस्पेक्ट्स क्या है कि किस तरह की सॉइल चाहिए होती है, मतलब सॉइल स्टेटस क्या है, किस तरह के प्लेसेस में इसको रख सकते हैं और इसमें क्या टेम्परेचर चाहिए इसको प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए, और इसमें फर्टिलाइजर एप्लीकेशन क्या करना है, किस टाइम करना है, और इसके पेस्ट डिजीजेस के बारे में, और लास्ट में हम बताएंगे इसके प्रोपेगेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। तो फ्रेंड, जब भी हम किसी प्लांट के रखरखाव के बारे में बात करते हैं तो हम फर्स्ट टॉपिक चूज करते हैं उसका सॉइल स्टेटस। तो फ्रेंड, क्योंकि ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है तो इसके लिए जो कैक्टाई की सॉइल होती है वही सॉइल हम यूज करेंगे, जिसमें हम 50% गार्डन सॉइल और 50% हम रेत को मिला करके और इसको देंगे। फर्टिलाइजर की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, तो क्योंकि सॉइल का प्रॉपर ड्रेनेज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के प्लांट के लिए। अगर सॉइल सॉगी होगी या उसके अंदर वाटर रुक जाएगा तो क्या होगा कि इसकी जड़ें जो है वो रॉटिंग हो जाएगी, रूट्स में रॉटिंग हो जाएगी और प्लांट जो है वो मर जाएगा, उसके मरने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड, जब भी आप इस तरह के सकुलेंट प्लांट लगाते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि वो वेल ड्रेन हो और पानी डालें वो फौरन पास आउट हो जाए उसके पॉट के जो होल है वहां से। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की। तो इसको कोई भी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है इसके लिए, लेकिन ये है कि जब आप दूसरे पेड़ों को फर्टिलाइजर दे रहे हो तो थोड़ा बहुत काउटन कंपोस्ट इसको भी डाल दीजिए। जैसे कि फ्रेंड, आप ये देखिए, मैंने सॉइल में कुछ नहीं डाला, लेकिन आप ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ये काउटन का पार्ट था तो मैंने ऊपर से रख दिया है। तो जब मैं यहाँ वाटरिंग करता हूँ तो इसके न्यूट्रिएंट्स निकल के नीचे चले जाते हैं, तो बस यहीं से ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड, इस तरह के प्लांट को किस तरह के प्लेसेस पर रखना चाहिए। तो फ्रेंड, ये सेमी शेड का प्लांट है और तो आप इसके लिए डायरेक्ट लाइट में आप इसको ग्रो कीजिए, मतलब डायरेक्ट सनलाइट ना लगे, सनलाइट लगने से तो ये खराब हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट लाइट में रखिए आप इसको। अगर प्लांट छोटा है तो डायरेक्ट लाइट में ही रखें, और प्लांट अगर इस तरह का थोड़ा बड़ा हो गया है, जैसे कि मेरा ये 2 साल पुराना प्लांट है, आप देख सकते हैं ट्रंक इसका काफी हेल्दी है। यहाँ आप ट्रंक देखें फ्रेंड, ये काफी हेल्दी है और बार्की ट्रंक हो गया है, इस पर काफी बार्क भी आ गई है। तो इस तरह के प्लांट को आप दिन की अर्ली मॉर्निंग में जो 2 या 4 घंटे की धूप है वो उसमें आप इसको रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, ये जो स्मॉल प्लांट है, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये प्लांट जो है इसको ज्यादा उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लाइक ज्यादा सन की जरूरत नहीं है, आप इसको एज सच जो है शेडी एरिया में ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें पेस्ट एंड डिजीजेस के बारे में। तो फ्रेंड, इसमें जनरली क्या होता है कि अगर पेस्ट देखा जाए तो मिलीबग का अटैक हो जाता है। तो मिलीबग का अटैक खत्म करने के लिए आप ये है कि या तो डिटर्जेंट पाउडर जो है उसका मिक्सचर बना करके आप प्लांट को वॉश कर दीजिए, वरना एक केमिकल आता है इमिडाक्लोप्रिड, अगर ज्यादा हैवी इन्फेस्टेशन है तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है फ्रेंड, 1 या 2 ml आपको 1 लीटर में डिसॉल्व करना है और अच्छे से प्लांट को
स्प्रे कर दीजिए। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि केमिकल आप यूज करें, क्योंकि ज्यादा प्लांट नहीं रहते हैं इस तरह से होम गार्डनिंग में या फिर बालकनी गार्डनिंग में या टेरेस गार्डनिंग में, एक या दो प्लांट रहते हैं तो आप उसको इस तरह से इजिली वॉश आउट कर सकते हैं। तो बेटर है डिटर्जेंट, अदरवाइज जैसे नीम ऑयल स्प्रे करते हैं दूसरे पेड़ों में, तब आप इसमें भी नीम ऑयल का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो फ्रेंड कभी आपको लगता है कि इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम आती है, तो बावस्टीन एक केमिकल होता है, एक फंजीसाइड होता है, उसको वाटर में थोड़ा सा घोल के, और इसकी जो ये रिम है आप देख सकते हैं यहाँ रिम वाले एरिया पर, ये गमले का रिम है तो हल्का सा रिम वाले एरिया पर आप यहाँ डाल दीजिए, तो उससे क्या है कि रूट रॉटिंग नहीं होगा और जो फंगल स्पोर्स है वो फर्दर जर्मिनेट नहीं करेगी। अब फ्रेंड हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट पर बात करते हैं, किस तरह से प्रोपेगेट किया जाए। तो फ्रेंड प्रोपेगेशन के लिए सबसे बेटर होता है इसमें स्टेम कटिंग, तो आप स्टेम कट कीजिए और उसको लगा दीजिए। तो ये रहता है कि 2 इंच तक का आप स्टेम कट करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ऑलरेडी ये कटिंग यहाँ रखी हुई थी फ्रेंड, मैंने पहले से ये 2 इंच के या 3 इंच के करीब की कटिंग है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस कटिंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो लोअर पोर्शन है वहां से आपको लीफ को खत्म कर देना है इस तरह से, और एक ये एक यहाँ इस तरह से गड्ढा बनाना है, एक गड्ढा आप बना लीजिए और इजिली स्टेम को आप इसमें डाल दीजिए। तो फ्रेंड बस, लेकिन आप इसको ऐसे प्लेसेस पर रखिए जहां पर इसको धूप ना मिल रही हो। तो फ्रेंड क्या होगा, कुछ दिन बाद इसमें से रूट डेवलप हो जाएंगी और जो है ये कटिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, यानी कि इस कटिंग से आपको एक दूसरा प्लांट मिल जाएगा। तो फ्रेंड जैसे आपको ये मेरा प्लांट दिखाई दे रहा है, इससे आप कई प्लांट बना सकते हैं, जहां से भी आप इसको कट करेंगे वहां आप उसको अलग लगा दीजिए तो आपको मल्टीपल प्लांट मिल जाएंगे। फ्रेंड इस प्लांट की कटिंग से मैंने ये एक तो ये हैंगिंग तैयार किया, आप ये देख सकते हैं ये मेरा हैंगिंग है, और दूसरा ये मेरे भाई ने एक बोनसाई बनाने की कोशिश की है, एक्चुअली मैंने नहीं बनाई ये मेरे भाई ने बनाई है। ये भी कटिंग से ही ग्रो किया हुआ प्लांट है, ये इसने इसमें कटिंग है और इसमें जो सॉइल मिक्सचर लिया है इसने बोनसाई का सॉइल मिक्सचर है, जिसमें 30% तो इसमें आपका गार्डन सॉइल है और बाकी जो आपका रेस्ट अमाउंट बचता है उसमें इसने बजरी वगैरह मिला करके ये सॉइल किया, थोड़ा सा काउडंग कंपोस्ट है और उसको इसने फिल किया है। ये एक छोटा सा ट्रे है जिसमें ये बोनसाई को लगाया है, और बोनसाई की शेपिंग के लिए फ्रेंड इसने ये वायरिंग किया हुआ है जो कि अभी शायद प्रॉपरली शेप्ड नहीं है, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा प्रॉपर शेप होने में। थोड़ा जिगजैग इसको शेप दिया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये थोड़ा सा जिगजैग शेप में है, तो ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको, बट ये हमारा ये जो बोनसाई है फ्रेंड वो चल चुका है, मतलब ये अच्छे से चल रहा है अभी, तो आप इसको कंजीनियल एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये और अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो फ्रेंड क्या रहता है कि आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको बुशी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी पिंचिंग कर दीजिए। फ्रेंड पिंचिंग में क्या रहता है, ये जो अपर साइड की दो लीव्स हैं यहां आप देखिए फ्रेंड, ये जो अपर साइड की दो लीव्स हैं आप इनको कट कर दीजिए इस तरह से, ये यहाँ की जो लीव्स हैं आप इनको कट कर दीजिए, ये वाली लीव्स हैं आप इसको ऐसे पिंच कर दीजिए। तो फ्रेंड क्या होगा, जहां से आपने पिंच किया है उसके जस्ट नीचे से 2 ब्रांचेस निकल आएंगी, तो प्लांट जो है वो बुशी बन जाता है। तो इस सकुलेंट प्लांट का यही फायदा है कि इसको आप जो भी शेप देना चाहें वो उस शेप में आ जाएगा। आप इसको ट्री की फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो ये ट्री भी बन जाएगा, इसको आप वाइन की तरह ऐसा वाइन ग्रो करना चाहते हैं तो देखिए ऐसा वाइन भी ग्रो हो रहा है, और आप इसको अगर बोनसाई की शेप में बनाना चाहते हैं जैसे कि यहाँ ये बोनसाई बना हुआ है तो फ्रेंड ये बोनसाई भी बन जाता है। तो फ्रेंड इस प्लांट की यही खास बात है कि जो भी शेप आप इसको देना चाहें, ट्री का शेप देना चाहें या जो भी शेप आप देना चाहते हैं, टोपियारी बनाना चाहते हैं इसके साथ, जो भी इसके साथ करना चाहते हैं वो ये इजिली उसको रिटेन कर लेता है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर मेरी ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।